हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये पार्टी हेयर स्टाइल, जो बहुत ही लंबे बालों में और छोटे बालों में भी आराम से बन जाता है। ये ऐसा हेयर स्टाइल है जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के हेयर्स में बन जाएगा। अगर किसी के लंबे बाल हैं तो उसमें भी, अगर किसी के छोटे बाल हैं तो वो भी इस हेयर स्टाइल को आसानी से बनवा सकता है। तो बनाने का तरीका मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बीच में से ही स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके थोड़ी थोड़ी वीडियो देखेंगे ना आप, तो आपको हेयर स्टाइल समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखिए और फिर बताना एंड में कि आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा। और मेरे चैनल पर ना पहली बार इस तरह की कोई हेयर स्टाइल की वीडियो आ रही है, जो कि मैं आपको रियल में दिखा रही हूँ, मतलब कि अपने क्लाइंट पे करके दिखा रही हूँ। तो हेयर स्टाइल करने से पहले, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री करके, ईयर टू ईयर पार्टिंग करके, पीछे के जो बाल बचते हैं ना उनमें एक पोनी बनानी होती है। और पोनी की हाइट हमें हमारे हेयर स्टाइल पे डिपेंड करती है कि हमें कैसा हेयर स्टाइल बनाना है, तो पोनी की हाइट भी हमें उसी हिसाब से रखनी पड़ती है। तो ये जब हम पहले ही अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेते हैं कि उन्हें हाई बन चाहिए, लो बन चाहिए, नेक पे चाहिए, कैसा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम पहले पोनी बना लेंगे। और पोनी को भी अच्छी तरह से डबल डबल रबड़ से सिक्योर करेंगे। ऐसे नहीं कि सिंगल रबड़ से ही पोनी बना दें, तो फिर वो क्या होगा, अगर हम हाइट पे बन बना रहे हैं थोड़ी देर में वो खिसक के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं ईयर टू ईयर वाले बालों में क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने भी अब के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हमें जैसे आजकल हेयर स्टाइल चल रहे हैं ना एडवांस के, तो उन हेयर स्टाइल्स को बनाने के लिए हमें बालों में बाउंस चाहिए होता है, और बाउंस आता है क्रिम्पिंग से। तो क्रिम्पिंग कैसे की जाती है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है अवेलेबल। जो लोग अब मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, क्रिम्पिंग करने की वीडियो। तो मैंने ईयर टू ईयर बाल वाले बालों में क्रिम्पिंग कर ली है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, जिसको भी मांग टीका लगवाना होता है तो सबसे पहले हम मांग टीका सेट करते हैं, क्योंकि पूरा हेयर स्टाइल बनने के बाद अगर हम मांग टीका सेट करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्रिम्पिंग करने के बाद मैंने मांग टीका सेट कर लिया है, और मांग टीका जब आप सेट करते हैं ना, तो अच्छे से डबल पिन से सिक्योर करके करनी चाहिए, मतलब कि पिन को क्रॉस में करके लगाना चाहिए। जब भी आप कोई हेयर स्टाइल करते हैं ना, तो हमेशा पिन को क्रॉस करके लगाइए, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से लॉक हो जाए, वो खुले नहीं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मांग टीका लगाने के बाद मैंने सेंटर में से थोड़े से बाल इधर से एक साइड से उठाए, और थोड़े से बाल उस साइड से राउंड शेप में उठाए, और उनमें फिल की मैंने स्टफ़ी। स्टफ़ी फिल करने के बाद मैंने उसे जितना मुझे बाउंस देना था उतना मैंने ऊपर उठाया, और उसे बॉब पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया। तो अगर हम स्टफिंग से बनाते हैं ना ये अपना पफ, तो बहुत अच्छा वो आता है और एक इक्वल शेप में उठ के आता है, कहीं से छोटा और कहीं से बड़ा नहीं, दोनों साइड से इक्वल उठ के आता है, और बहुत अच्छा इक्वल सा राउंड शेप में बाउंस भी आ जाता है। तो फिलर्स या स्टफिंग जो होती है वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। एक होती है जो कटिंग वाले बालों से बनी होती है स्टफिंग वो, और एक होती है प्लास्टिक वाली स्टफिंग वो। तो मैंने इसमें प्लास्टिक वाली स्टफिंग फिल की है। मैं आप लोगों के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, जिसमें ओनली स्टफिंग कैसे पफ में फिल करते हैं वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो स्टफिंग लगा कर देखिए, मैंने उसके बाद एक साइड को इवन लेयर उठाई, और उसे भी जो साइड में हमारा पार्ट दिख रहा होता है ना, उसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और उसे अपने पफ के साथ ही इसी तरीके से लॉक करना है कि पता ही नहीं चले कि बाल बाद में उठाकर पिनअप किए हैं या इकट्ठा एक ही साथ पिनअप किया था। तो ये देखिए कितना राउंड सा पफ आ गया है। तो ये होता है हमारे हेयर स्टाइल का बेसिक, ठीक है।
इसके बाद हम अपना आगे का हेयर स्टाइल कंटिन्यू करते हैं कि आगे का हमें हमने कैसे करना है। तो यहाँ तक तो देखिए सेम ही होता है हर हेयर स्टाइल में, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस ही होता है कि ये हमें बेस बनाना होता है पफ का, उसके बाद हम आगे का थोड़ा डिफरेंट करते हैं, वो भी अपने क्लाइंट का फेस देख के, अपने क्लाइंट की नीड देख के करते हैं। तो मैं जो इनका करूँगी, मैं इनका साइड लुक दूँगी क्योंकि इन्हें साइड का ही कराना था। तो ये देखिए मैंने साइड की पार्टिंग निकाल ली और अब मैं आधे बाल लूँगी, जितने भी ये पूरे बाल है ना, पूरे बालों को इकट्ठा सिक्योर नहीं करूँगी, आधे बाल लेकर मैं इसमें ट्विस्टिंग वाला दूँगी। और ट्विस्टिंग कैसे करते हैं, थोड़े से बाल ऊपर से उठाइए, देखिए वीडियो में ज़्यादा पास से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको जूम करके। तो ट्विस्टिंग कैसे करते हैं, अपने ऊपर से थोड़े से बाल उठाइए, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उन्हें आपस में ट्विस्ट कर दीजिए, एक दूसरे के साथ रोल करते जाइए और इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल उठाते जाइए और उसी के साथ जोड़ते जाइए और रोल 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 करके उसी के साथ जोड़ जोड़ के उन्हें ट्विस्ट देते जाइए। तो इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो इससे बहुत अच्छा ही बहुत अच्छा हेयर स्टाइल उठकर बनकर आता है। और ये आजकल जो ट्विस्टिंग वाले, ब्रेड वाले, फ्रेंच वाले, ये सब ही हेयर स्टाइल आजकल चल रहे हैं, बहुत इन हैं ये हेयर स्टाइल, तो बहुत अच्छे लगते हैं बने हुए। तो आप लोग भी ऐसे ही वीडियो देख देख कर बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बहुत खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से बनाना भी आ जाएगा। तो ये देखिए यही होता है ट्विस्टिंग वाला हेयर स्टाइल। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा लूज़ करते जाइए क्योंकि मैसी आजकल जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं वो मैसी ही चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये बने हुए। तो इस तरह से देखिए मैं इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। अब जो बचे बाकी के बाल, उन बालों को भी हम सिंपल सा ट्विस्ट करके पिनअप कर देंगे। तो ये देखिए मैं बीच में भी एक पिन लगा रही हूँ और ये पिन क्यों लगा रही हूँ मैं, ताकि अच्छा सा बाउंस आ जाए और उठ के आ जाए। और ये पिन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जहाँ से मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वहाँ पर इसे लॉक करने के लिए मैं पिन लगा रही हूँ, ताकि ये बाउंस जो है ये यहीं पर रहे, बैठे नहीं बाद में। ऐसे होता है अगर हम पिन नहीं लगाएंगे ना तो अभी के लिए तो ये उठ जाएगा, थोड़ी देर में बैठना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे पिन लगा कर लॉक कर दिया है। तो अब जो बाकी के बाल हैं ना, ये देखिए इन्हें मैं क्या करूँगी, सारे बाल इकट्ठे उठाए और जितने मैंने कर्ल के लिए छोड़ने थे ना वो साइड में छोड़ दिए, और इन्हें मैं बैक कॉम कर रही हूँ। और बैक कॉम क्यों कर रही हूँ, एक तो बाउंस देने के लिए, एक दूसरा रीज़न क्या है कि जो मांग टीका हमने लगाया था ना, तो उसकी जो लड़ी थी ना वहाँ से वो फट रहा था, तो इसलिए मैंने बैक कॉम की, उसको बैक कॉम करके कॉम की हेल्प से मैंने उसे नीचे की ओर फ्लो देते हुए अपने हाथ के साथ ही ट्विस्ट करते हुए मैं ले गई और उसे अच्छे से मैंने पीछे कान के पास ले जाते हुए सिक्योर कर दिया। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हेयर स्टाइल आ गया है, आगे का फ्रंट का कितना अच्छा सा लुक आ गया है। बस इसे इसी तरीके से हाथ से शेप से देते हुए, छोटे छोटे बालों को भी साथ में लेते हुए, फिनिशिंग देते हुए इसे पिन से सिक्योर कर देना है। इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे वीडियोस देख देख के, तो आपको भी बनाने आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना, और उसके साथ तो उससे क्या होगा कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलती रहेगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे वाले इन्हीं बालों में स्प्रे हेयर स्प्रे करके लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। और ये लाइंस क्रिएट करना बहुत इजी होता है, पहले आप हेयर स्प्रे करिए और फिर अपनी फिंगर की हेल्प से ही उनमें लाइंस बनाते जाइए, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल लगने लग जाता है लाइन से ही, और इन्हीं लाइंस का अब बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने ये लाइंस क्रिएट कर दी हैं और अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और
कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस हेयर स्टाइल की वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल कैसा लगा और करने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की हेयर स्टाइल रियल क्लाइंट पे जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ऐसी वीडियो फर्स्ट टाइम आ रही है। मेरे ख्याल से तो फर्स्ट टाइम ही आ रही है, बाकी मुझे याद भी नहीं है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो और मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि अब बहुत से नए नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो ये देखिए, अब दूसरी साइड जितने भी बाल बचे थे ना, उन्हें मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें भी ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हुए साइड में, ये देखिए, मैंने बॉपिन की हेल्प से इन्हें सिक्योर कर दिया। तो ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। अगर अगर हम चाहें तो फ्रंट का पूरा भी इसी तरीके से दे सकते हैं। अब बाकी बचे पीछे के बाल। अब हम आ गए हैं पीछे का हेयर स्टाइल बनाने, और इनके ना बालों की लेंथ बहुत अच्छी थी, काफ़ी लंबे वाले बाल थे इनके। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि इतने बालों की लेंथ कितनी अच्छी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने एक जोड़े का बेस बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी स्टफिंग यूज़ नहीं किया है। स्टफिंग जो आती है ना राउंड शेप वाली, उनसे तो ऑलरेडी वो राउंड में होती है, तो राउंड सा बन ही जाता है हेयर स्टाइल। लेकिन मैं, क्योंकि इनके बालों की लेंथ अच्छी है, तो मैं कोई भी स्टफिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टफिंग यूज़ करूँगी तो वो बहुत हैवी सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। इसलिए मैं पहले इनके ही बालों से एक राउंड शेप देते हुए हेयर स्टाइल को एक बेस दे रही हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या कर रही हूँ, थोड़े थोड़े बाल उठाए और उसे राउंड में मैंने घुमाकर बॉबिन की हेल्प से लगा दिया। तो एक बार इधर से घुमाया और एक बार दूसरी साइड से घुमाया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बाकी बचे बालों में मैं, ये देखिए, एक लेयर थोड़ी सी उठाई, उसे राउंड राउंड करके ट्विस्ट किया और एक पतला सा बाल पकड़ के बाकी बालों को ऊपर की ओर खींच दिया। तो इससे क्या होगा, एक फ्लावर टाइप का बन के आ जाएगा, और उसे बस आपको जूड़ा पिन की हेल्प से सिक्योर करते जाना है। बस इसी तरीके से पूरा हेयर स्टाइल आपको कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से करते जाइए, और ये हेयर स्टाइल बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, और वीडियो एंड होने पर वो तो आप देख ही लेंगे कि हेयर स्टाइल कैसा लगा, उसकी लुक कैसी लगी। बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े बाल उठाते जाइए, उन्हें ट्विस्ट करते जाइए, और सबसे नीचे आते हुए एक पतली सी एक बाल को पकड़िए और उसे ऊपर खींचते हुए जूड़ा पिन की हेल्प से सिक्योर कर दीजिए। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने पूरे बालों को सिक्योर कर दिया है जूड़े की शेप में, और ये देखिए कितना अच्छा सा हेयर स्टाइल बन के आ गया है। और अब मैं इसे गोल्डन कलर की जो जूड़ा पिन डेकोरेटेड आती है ना, उनसे डेकोरेट कर दूंगी। तो ये हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको सीखने का मौका मिल जाए। और अब लास्ट में हम अपने हेयर स्टाइल को हेयर स्प्रे से अच्छी तरह से सेट कर देंगे, ताकि ये इधर उधर कहीं पर भी ना हो। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल, अच्छा या बुरा तो वो तो आप लोग ही बताएंगे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। तो अब देखिए, मैं जहाँ से भी मुझे लूज़ या टाइट लगेगा ना, वहाँ से मैं इसको सेट करूँगी। और अब जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाए ना, तो उसे पिन से अच्छी तरह से सिक्योर करें, ताकि अगर आपका क्लाइंट डांस वांस भी करता है ना, तो उसका हेयर स्टाइल कहीं पर भी ना जाए।
अब मैं इस हेयर स्टाइल को डेकोरेट कर दूंगी गोल्डन कलर के पिंस के साथ, क्योंकि इनकी ड्रेस में जो कलर था वो गोल्डन कलर का था। तो और आगे जो मैंने फ्लिक छोड़ी थी उसे मैंने कर्ल्स कर दिया है कर्लिंग रोड के साथ। तो ये आया है इनके हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी, और फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।